6 अक्टूबर 2021 को कत्ल कर दिए गए, उसके बाद हमने काफ़ी ऐसे कश्मीरी पंडित किलिंग देखी, तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्किंग है इन टेररिस्ट का, वो नेटवर्किंग काफ़ी सक्षम है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी नेटवर्किंग, इंटेलिजेंस नेटवर्किंग है, कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई है। आप देख लीजिए, ऐसा लगता है कि उनके पास एक हिट लिस्ट है और वो हिट लिस्ट के चलते लोगों को मारते हैं। नहीं तो उनको कहाँ पता है राहुल भट्ट वहाँ पर काम कर रहा है, नहीं तो उनको कैसे पता है रजनी बारा 4 दिन पहले वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई, नहीं तो उनको कैसे पता है कि वो जो विजय कुमार राजस्थान से, वो वहाँ से 4 दिन पहले ट्रांसफ़र होके आ गए। दो चीज़ें, एक वो लोग जो ये बंदूक लेके चलते हैं, और दूसरा पैसिव टेररिज्म। एक एक्टिव टेररिज्म वो होता है जो गोली चलाता है, और दूसरा पैसिव टेररिज्म वो है जो उसको लॉजिस्टिक्स देता है, जो उसको हाथ देता है, जो उसको खाना पीना देता है, जो उसको छुपाता है। और आज की डेट में जो ये पैसिव टेररिज्म है और ये जो इकोसिस्टम उसके चलते चला है, उसको डिमोलिश करने की ज़रूरत है, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। और जब तक आप वो पैसिव टेररिज्म नहीं तोड़ेंगे, तब तक एक्टिव टेररिज्म ऐसे ही घूमते जाएंगे जेबों में पिस्टल रखते हुए, और लोगों को मारेंगे विद इम्प्यूनिटी। देखिए, ये दो चीज़ें हैं। कश्मीरियों की मानसिकता जो है, वो मानसिकता आज की नहीं है, वो मानसिकता 1947 से लेके अब तक है। जब कश्मीर भारत के साथ विलय हो गया और जब एक वहाँ पर शासन आ गए, वहाँ एक डायनास्टी रूल इस्टेब्लिश हो गया, और कश्मीर को एक डायनास्टी ने कम से कम 50 साल रूल किया। एक डायनास्टी ख़त्म हो गई तो दूसरी डायनास्टी आ गई, तो दूसरी डायनास्टी ने वहाँ पर शासन कर दिया। और ये पिछले 70 साल से जो ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, इन्होंने एक डिसफंक्शनल पॉलिटिकल कल्चर को जन्म दे दिया। और ये डिसफंक्शनल पॉलिटिकल कल्चर है जिसमें एंटी कश्मीरी पंडित ओवरटोन्स है। मैं बताऊँगा कैसे। 1952 में वहाँ पर एक लैंड टू टिलर्स एक्ट हुआ, जब शेख साहब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उन दिनों। और जो लैंड टू टिलर्स था, उसका मतलब था कि जो टिलर्स हैं उनको लैंड दिया जाए, लेकिन जो लैंड ओनर्स थे उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया। और सबसे जो आघात उससे पहुँचा, वो कश्मीरी पंडितों को पहुँचा हो गया। उसके चलते हुए कश्मीरी पंडित्स बिकेम पॉपराइज्ड ओवरनाइट। हमारी कश्मीरी पंडित लेडी जिसका नाम परमेश्वरी हंडू था, उसको बजबरन इस्लाम कन्वर्ट करवा दिया, उसको बजबरन वहाँ पर शादी कर दी गई, वो माइनर गर्ल थी, जिसके चलते हमने एजुटेशन कर दी कश्मीरी पंडितों ने। हमारे 20-25 कश्मीरी पंडित मर गए उस वक्त 67 एजुटेशन में। और उसके चलते उस वक्त के जो गृह मंत्री YB चौहान साहब थे, वो कश्मीर आए और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से मिले, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, बातचीत कर दी, और उसके बाद वो थमा। उसके बाद 1986 में हमारे टेंपल्स वेंडलाइज किए जाते हैं, हमारे कल्चरल सेंटर्स डिमोलिश किए जाते हैं, और उस वक्त जो त्रासदी वहाँ पर मची, हमारे टेंपल्स वहाँ पर इस कदर वहाँ पर डा दिए कि बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद 1990 में हमें से निकाल दिया गया। और 86 की बात करें तो कहते हैं कि ये ड्रेस रिहर्सल था एक्सोडस से पहले। तो ये जो ये कहानी है, ये उस डिसफंक्शनल पॉलिटिकल कल्चर की कहानी है जिसके चलते आज कश्मीरी पंडित 32 साल से यहाँ पर सड़क पे खड़ा है। अभी जो मौजूदा हालात है, किसे हम उस पॉलिटिकल कल्चर को जिम्मेदार ठहराते हैं, हम उस डायनास्टिक पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहराते हैं जिन्होंने माइनॉरिटीज़ को वो नहीं दिया जो माइनॉरिटीज़ को मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये बता दीजिए, हमारी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, हबकदल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिससे कश्मीरी पंडित एक MLA इलेक्ट हुआ जाता था, तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती थी हमारी। आज की डेट में हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। आप पिछले 2-3 सरकारें देख लीजिए, एक भी कश्मीरी पंडित लोकल सरकार में नहीं था। और जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे मसले हैं, हम किसके पास जाके जाएं? कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बना। उप मुख्यमंत्री से क्या होता है? वो मैंने बताया, कश्मीरी पंडितों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हिंदू उप मुख्यमंत्री बने ठीक है, लेकिन
कश्मीरी पंडितों को किसने रिप्रेजेंट किया, ये बात है। कश्मीरी पंडितों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? जैसे भारत के मुसलमान हैं, उनकी बाज़ाबता पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। उनका मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर है। कोई चिंता आ जाती है वो उसके पास जाते हैं, हम किसके पास जाएँ? हमारा ना कोई मंत्री है, ना कोई तंत्री है, ना कोई संतरी है। देखिए, सबसे पहले जो सरकार की प्राथमिकता है वो स्टेट को बचाना है। जिस कदर कश्मीर में इस्लामीकरण हो रहा है उसके चलते हुए जो उन्होंने स्टेप्स ले लिए, ठीक है, हम उससे संतुष्ट हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को आश्वासन सरकार ने नहीं दिया। कश्मीरी पंडितों को आश्वासन देना चाहिए, उसके लिए पुनर्वास की बात कर रहे हैं, जो 1990 में आ गए उनको घर दिया जाएगा। देखिए, पुनर्वास तब होगा, जैसे मैंने आपको बताया, पुनर्वास तब होगा जब वहाँ पर एक इकोसिस्टम होगा। पुनर्वास का मतलब है सेक्युलरिज्म को फिर बहाल करना कश्मीर में, और सेक्युलरिज्म को कश्मीर में बहाल ऐसे नहीं कर सकते कि कश्मीरी पंडितों को भेड़ बकरियों की तरह आप वहाँ पर भेजेंगे और एक सेक्युलर एक्सपेरिमेंट उनके साथ करेंगे। कश्मीरी पंडितों का वापस जाना इसका मतलब है कि सेक्युलरिज्म को फिर री एस्टैब्लिश कश्मीर में करना। सेक्युलरिज्म को री एस्टैब्लिश करने के लिए उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स है। देखिए, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार की नीति है कि वहाँ पर सामान्यता बहाल हो जाए, पीस बहाल हो जाए, लेकिन सरकार से हम ये कहते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों का पॉलिसी है, कश्मीरी पंडितों को लेके एक पॉलिसी को अनाउंस कर दीजिए। कश्मीरी पंडितों की कोई पॉलिसी ही नहीं है सरकार के पास। कश्मीरी पंडित आज हम यहाँ पर मेजर कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस है, किसी ने आज तक ये नहीं किया कि हम कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन से मिले, उनसे पूछे कि क्या करना चाहिए। हो सकता है हमारे पास पॉलिसी नहीं है कश्मीरी पंडितों का, आपके नाम से तो वोट मांगा जा रहा है। देखिए, ये दो चीज़ें हैं, वोट मांगना, ये वोट की राजनीति पिछले 70 साल से यहाँ पर चल रही है। कोई किसी के नाम पे, कोई बाबरी मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहा है, तो कोई कश्मीरी पंडित के नाम पे वोट मांग। यहाँ पर केजरीवाल जी देख लीजिए, केजरीवाल जी ने कश्मीरी पंडितों का मजाक बनाया, कश्मीरी पंडितों पे ठहासे लगाए, असेंबली में बोला कि भाई क्या क्या उन्होंने बोला, उसके बाद 2 दिन के बाद उन्होंने यू टर्न कर लिया कि भाई कश्मीरी पंडितों से जुल्म हो रहा है, उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाए। ऐसे भी नेतागण हमारे हमारे भारत में है। तो एक चीज़ को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, एक चीज़ को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। बात है इस वक्त ह्यूमैनिटी की और ह्यूमन सिविलाइजेशन की। देखिए, सबसे पहले भारतवासी जो है, भारतवासी को पता नहीं है कि कश्मीरी पंडित पे क्या गुजरी है। अगर कश्मीर फाइल्स नहीं आती, मैं तो वही बता रहा हूँ, जो कश्मीर फाइल्स आई पिछले 32 साल के बाद, कश्मीर फाइल्स आई, जो उसने कहानी बयां कर दी वो टोटल कहानी नहीं थी, वो मुश्किल से 10% उसने बताया। उससे जो ग्लोबल अवेयरनेस हो गई कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, और उसके चलते जो आज की डेट में जो हार्डन वहाँ पर स्टांसेस हो गए अगेंस्ट कश्मीरी पंडित्स, वो उसकी उसके उससे क्या होता है, उससे ये दर्शाया जाता है कि कश्मीर फाइल्स उनको भाई नहीं, उनको पच्ची नहीं। क्यों? क्योंकि वो आज तक ये बताते थे कि गवर्नर जगमोहन ने इनको निकाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको निकाला, और जब सच्चाई सामने आ गई तो सच्चाई का सामना वो नहीं कर सके। सर, अभी जो स्थिति है घाटी में, क्या सरकार का कंट्रोल या फिर स्थिति नाजुक है? देखिए, मैं ये कहूँगा 1990 के चलते और आज भारत का कंट्रोल कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। आज की डेट में भारत सरकार वहाँ पर विजिबल है, लेकिन जो लोकल इंटरनल फैक्टर्स है, लोकल इंटरनल फैक्टर्स में कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे मैंने बताया, पॉलिटिकल कल्चर, नेक्सस लोगों का। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मिले या ना मिले, उनको मिलनी चाहिए सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता है। अगर मैं सरकार से भी बताऊंगा और आपके माध्यम से बताऊंगा, अगर सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर रहना है, तो सरकार को उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी है, देनी ही नहीं, देनी पड़ेगी, नहीं तो कश्मीर
इस्लामीकरण की ओर भाग रहा है और कश्मीर की इस्लामीकरण को रोकने के लिए एक ही आदमी है, एक ही आदमी इस इस्लामीकरण को रोक सकता है और वो कश्मीरी पंडित है।